गाइस, वेलकम बैक टू क्रिएटिव गार्डनिंग। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कि विंटर फ्लावरिंग प्लांट में से कैसे हम मैक्सिमम फ्लावर ले सकते हैं, क्योंकि विंटर फ्लावरिंग प्लांट सिर्फ 2 या 3 महीने ही फ्लावर देते हैं। और हम उनमें विंटर में अगर हम चाहते हैं कि हमारा गार्डन फ्लावर से भरा रहे, तो हमें क्या करना चाहिए उन फ्लावरिंग प्लांट्स के साथ ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावर दे सकें, मैं बताऊँगी आपको इस वीडियो में। पर वीडियो में जाने से पहले, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरे वीडियोस को लाइक कीजिएगा, और अगर ये वीडियो पसंद आए तो फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। देखिए फ्रेंड्स, ये पिटूनिया का प्लांट है। इसमें देखिए कुछ डेड फ्लावर हैं जो मुरझा चुके हैं। हमें करना क्या है, हमें इस तरह से उन्हें एकदम लास्ट से पिंच कर देना है। आप चाहें तो सीजर की हेल्प भी ले सकते हैं। इसी तरह आपको पूरे प्लांट में जितने भी डेड फ्लावर हैं उन्हें आपको प्लांट से अलग कर देना है। देखिए फ्रेंड्स, अगर आप इन्हें हटाएंगे नहीं तो इस तरह यहाँ पर सीड्स बनने लगेंगे और प्लांट अपनी पूरी ताकत सीड्स बनाने में लगा देगा और फिर ये प्लांट फ्लावर बहुत कम देगा। इसलिए सारे डेड फ्लावर को आपको इनसे पिंचिंग करके हटाते रहना है। आप चाहें तो हफ्ते में एक बार ऐसा कर सकते हैं। जब हम इन्हें पिंच करके हटा देंगे तो इनके पास से नई ब्रांचेस निकलने लगेंगी और ये प्लांट बहुत ज़्यादा घना हो जाएगा और इसमें कई सारे फ्लावर निकलने लगेंगे। इस तरीके से आप सारे ही प्लांट से डेड फ्लावर को हटा दीजिए। देखिए, ये मेरा दूसरा पिटूनिया का प्लांट है, उसमें भी 2 फ्लावर हैं जो मर चुके हैं या मुरझा चुके हैं। इन्हें मैं हटाकर अलग कर दूंगी। इन्हें हटाने से जब ज़्यादा ब्रांचेस निकलेंगी तो ज़्यादा कलियाँ बनेंगी और प्लांट घना होने के साथ साथ ढेर सारे फ्लावर देगा सर्दियों में। इसी तरह से आपको सारे प्लांट्स के साथ करना है। ये देखिए, डायंथस में भी इस तरीके से फ्लावर्स मर जाते हैं, तो हमें क्या करना है, हमें इनके लास्ट से इनको पिंच कर देना है। ध्यान रहिए, सिर्फ फ्लावर को मत हटाइए, फ्लावर की टहनी लास्ट तक जहाँ जाती है वहाँ से इनको हटाना है। इस तरीके से पूरे आप प्लांट से इस तरीके से हटा दीजिए। ये एक अगर काम आप कर देंगे अपने प्लांट में तो आपको बहुत सारे फ्लावर मिलेंगे। इस तरीके से करके मैंने देखा है, इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ। बाकी आप अपने प्लांट में सरसों की खली की खाद बनाकर भी, लिक्विड खाद बनाकर भी दे सकते हैं। आप इन प्लांट्स में हर हफ्ते खाद दीजिए, क्योंकि इन प्लांट से सिर्फ हमें फ्लावर लेने हैं, सीजनल प्लांट हैं ये। इसलिए आप इन्हें हर हफ्ते कोई भी लिक्विड फर्टिलाइजर दीजिए, इससे ये बहुत अच्छे से ग्रो करेंगे और बहुत अच्छे से फ्लावर देंगे। ये देखिए, सारे डेड फ्लावर मैंने हटा दिए हैं। आप चाहें तो लिक्विड फर्टिलाइजर में, जैसे इतना बड़ा आपका प्लांट है तो 10 से 12 दाने DAP के पर्याप्त होंगे। आप उस लिक्विड फर्टिलाइजर में 2 घंटे के लिए भिगा दीजिए और उसके बाद इसे अपने प्लांट को दीजिए, तो ये बहुत अच्छे से ग्रो करते हैं। वैसे मैं अपने वेजिटेबल प्लांट्स को केमिकल वाली खाद नहीं देती हूँ, पर मैं अपने फ्लावरिंग प्लांट को ज़रूर केमिकल वाली खाद दे देती हूँ, क्योंकि इनसे मुझे सिर्फ फ्लावर लेने हैं। ये देखिए, ये पॉम गुलदावरी है। ये देखिए, इसमें ये देखिए, ये डेड फ्लावर है। इस तरह से निकल जाता है तो आप इसकी जो ब्रांच होती है इसे नीचे से पिंच कर दीजिए। तो इस तरह से पिंचिंग करते रहिए और ढेर सारे फ्लावर लेते रहिए। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सी यू नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।